हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एवरी गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। इसीलिए ज्वेलरी होना और उसे मैनेज करना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स की लाइफ में। क्योंकि अगर आपकी ज्वेलरी सॉर्टेड होगी, मैनेज्ड होगी, तो आप उसे इजीली ढूंढ सकते हो, आप फटाफट उसे वेयर कर सकते हो और बाहर जा सकते हो। बट अगर आप ज्वेलरी को मैनेज नहीं करके रखोगे तो वो ब्रेक सकती है। आपकी ज्वेलरी आपको टाइम पे नहीं मिलती है, उसके लिए आप सब इधर उधर कर देते हो और फिर बाद में आपको डबल टाइम लगता है उसे मैनेज करके रखने में। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी ज्वेलरी को कैसे मैनेज करके रखती हूँ, कैसे सॉर्ट करके रखती हूँ, जिससे कि मेरे लिए बहुत ईजी होता है। जो मुझे चूज़ करना होता है मैं फटाफट से उसे चूज़ कर लेती हूँ, वेयर कर लेती हूँ और आते ही उसे ईजिली वहाँ पर उतार के रख देती हूँ। इससे मेरा ज्वेलरी डिपार्टमेंट एकदम मैनेज रहता है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी हाउ आई मैनेज माई ज्वेलरी। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लाती रहूँगी जो कि आपके बहुत हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हो एंड अबाउट द ब्यूटी टिप्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। सो दिस ड्रॉअर इज डेडिकेटेड टू माई ज्वेलरी। मैंने उसे कैसे रखा हुआ, तो आप भी इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को रख सकते हो। इससे आपको पता है कि आपके किस बॉक्स में क्या है और आप इजीली किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हो। सो लेट मी शो यू वन बाय वन कि कैसे मैंने अपनी ज्वेलरी को रखा हुआ है। ऐसे मैंने अपने बैंगल्स को रखा हुआ है अलग अलग बॉक्स में। इससे आपकी बैंगल्स आपस में नहीं टकराती हैं तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और वो बिल्कुल न्यू जैसी रहती हैं। सी, ये दिस इज़ 9 ईयर्स ओल्ड बैंगल्स, स्टिल दे आर द सेम, क्योंकि मैंने इसे सेपरेट बॉक्स में रखा हुआ है। अगर मैं इसे ऐसे ही रख देती तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती। दिस इज़ माय रिंग बॉक्स, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी रिंग्स हैं। सी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिंग्स। तो इनको हम एक सेपरेट बॉक्स में रख देंगे ताकि जब भी आपको कहीं जाना और आपको रिंग्स पहननी है तो आप इजीली उसे ढूंढ सको। दिस इज ऑल्सो द बॉक्स फॉर द बैंगल्स। सी दीज बैंगल्स, दीज कुंदन बैंगल्स। सो मैंने हर चीज़ को एक सेपरेट बॉक्स में रखा हुआ है। सो इस तरीके से मैंने अपने बैंगल्स को अरेंज किया हुआ है ताकि मुझे बिल्कुल ईजी रहे जब भी मुझे पिक करना हो। दिस इज ऑल्सो माई बैंगल। सो इस नेकलेस को मैंने सेपरेटली रखा हुआ है, इसके साथ ये इयर रिंग्स हैं, ताकि मुझे जब भी ये पहनना हो तो मुझे साथ में पहनना है तो मैं ईजिली इसे पिक कर लूँ और ये ऐसे सेपरेट बॉक्स में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना इसका कलर ख़राब होता है, नथिंग। सो दिस इज़ माई ब्रेसलेट्स, ये भी मैंने एक सेपरेट बॉक्स में रखा हुआ है। दिस इज़ माई पर्ल नेकलेस, इसके साथ मैंने पर्ल के इयर रिंग सेपरेटली रखे हुए हैं ताकि जब भी मुझे ये पहनने हो तो मुझे इसके साथ ही ईजिली मिल जाएँ। सो दिस इज़ माई ज्वेलरी बॉक्स, इसमें मैंने अपने सारे इयर रिंग्स अलग अलग रखे हुए हैं ताकि ईजिली मैं उन्हें ढूंढ सकूँ। देखो मैंने इसे इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि मुझे इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, ईजिली विजिबल है कि मुझे कौन सा पहनना, मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। सो दीज आर द स्मॉल नेकलेस, वेस्टर्न वेयर के साथ पहन सकते हैं, तो इनको मैंने सेपरेट रखा हुआ है, हमें ईजिली यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। दिस इज़ माई नेक्स्ट बॉक्स, इसमें मेरे पास बहुत सारे नेकलेस हैं जो कि मैंने सेपरेटली रखे हुए हैं। सी दीज, मैंने इनको सेपरेट पैकेट में रखा हुआ है ताकि ये एक दूसरे के साथ ना मिले और इनका कलर ना ख़राब हो। दिस इज़ द नेकलेस जो कि हम साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द नेकलेस जो हम वेस्टर्न वेयर के साथ पहन सकते हैं। दिस इज़ माई बास्केट फॉर द वेस्टर्न वेयर इयर रिंग्स, जो मुझे जब भी मुझे कुछ भी वेस्टर्न पहनना है तो उसके साथ मैं जो भी इयर रिंग्स पहनती हूँ वो मैंने सेपरेटली इस बास्केट में रखे हुए हैं। दे आर वेरी स्मॉल, तो मुझे ये ईजिली यहाँ से मिल जाते हैं। सो आप भी इसी तरीके से अपनी एक बास्केट में या बॉक्सेस में आप उनको ईजिली रख सकते हैं। सो दिस इज़ माई ब्रेसलेट, इयररिंग्स। मैं हर चीज़ को एक अलग पाउच में रखती हूँ ताकि वो अगेन कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। दिस इज़ ऑल्सो माई नेकलेस, दिस इज़ अ बॉक्स फॉर माई इयररिंग्स अगेन, इसमें भी मैंने अपने इयररिंग्स रखे हुए हैं।
सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड पार्टी वेयर एवरी इयरिंग्स। हम यहाँ से बिल्कुल इजीली कोई भी इयरिंग पिक कर सकते हैं। सो आप इसी तरीके से मैनेज करके रखो एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि आप कितने इजीली हर चीज़ को ढूंढ पाओगे। सो दिस इज़ द बॉक्स फॉर माई डेली वेयर इयरिंग्स। देखो ये फोर कंपार्टमेंट में है तो ईजिली मैंने हर एक में अलग अलग इयरिंग्स अपने रखे हुए हैं। इससे भी बिल्कुल ईजी हो जाता है मेरे लिए इयरिंग्स को ढूंढना। सो दिस इज़ द ऑल्सो वन बॉक्स फॉर माई ज्वेलरी। दिस इज़ माई नेकलेस बॉक्स, इसमें भी मैंने नेकलेस रखे हुए हैं। तो अगर मैं एक ही बॉक्स में सारे नेकलेस रख दूंगी तो वो मेस्ड अप हो जाएंगे और मुझे जब ढूंढना होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा चाहिए। सो ईजिली मैंने अलग अलग बॉक्सेस में इनको अलग अलग रखा हुआ है ताकि मैं ईजिली उसे ढूंढ सकूँ। इयरिंग्स मैंने हर इयरिंग को सेपरेटली रखा हुआ है ताकि मुझे उसे ढूंढने में बहुत आसानी हो। सो दिस इज़ माई ऑल्सो वन ऑफ द ज्वेलरी बॉक्स। इसमें मैंने अपने इयरिंग्स रखे हुए हैं, अपने नेकलेस रखे हुए हैं, हर चीज़ को मैंने सेपरेटली रखा हुआ है। सी एवरी बॉक्स, जो जिस बॉक्स में आता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे उसी बॉक्स में रखूँ ताकि वो मिसमैनेज ना हो और इसीलिए उसी में ही रहे। सी दीज आर माई इयरिंग, दिस इज द नेकलेस, दिस इज ऑल्सो द नेकलेस, इयरिंग्स नेकलेस, दिस इज माई ऑल्सो इयरिंग। सो दिस इज द वे यू ऑर्गेनाइज योर ज्वेलरी ताकि आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी मेस्ड अप ना हो, वो ईजिली सॉर्टेड रहे, आपको ढूंढने में आसान हो, आपको कहीं जाना हो तो भी आपका टाइम वेस्ट ना हो और आके भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप और इससे आप देखोगे कि आपकी ज्वेलरी हमेशा आपको न्यू लगेगी क्योंकि आपने हर चीज़ को सेपरेटली रखा हुआ है। तो अगर वो सेपरेटली रहेगी तो हमेशा न्यू जैसी रहेगी क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मेस्ड अप नहीं होगी। सो दिस इज़ द वे हाउ आई मैनेज माई ज्वेलरी। सो आप भी इसे ऐसे मैनेज करके रखो, ऑर्गेनाइज करके रखो ताकि आपके लिए भी आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ इससे बहुत इजी है। आप भी करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ऐसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके कैसा लगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।